हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और मैं कुलदीप टाक आपका अगेन स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। ये है हमारा विटोरा जी का इंजन, विटोरा जी कॉस्मोस 300। ये इंजन है, आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ऊपर का कवर हमने खोला हुआ है, तो दोबारा खोल के दिखा देता हूं मैं आपको, दिखाने के लिए खोल रहे हैं। तो ये इसकी वैसे प्रॉपर पैकिंग आती है, यहाँ पे वार्निंग में लिखा हुआ है रीड द इंस्टॉलेशन मैनुअल वगैरह वगैरह, यानी कि आपको मैनुअल देख के ही इंस्टॉल करना है। और ये इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ आता है, इसको हटाते हैं साइड में। अब हमारे पास में ये है विटोरा जी का कंप्लीट इंजन कॉस्मोस 300, जो कि 36 एचपी जनरेट करता है और 293 सीसी का ये इंजन है। और मैक्सिमम आरपीएम जाते हैं इसके 7500 अराउंड। ये हमारे पास में एयर फिल्टर है, इसको भी साइड में कर देते हैं। और ये हमारे पास में रेडिएटर है, कुछ गिरा क्या? नहीं गिरा। हाँ, तो ये रेडिएटर है, आपको थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं इसकी भी। वाह, रेडिएटर का साइज ठीक है, वैसे कूलिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। इसको भी अब साइड में कर देते हैं। और अब बात करते हैं इंजन की। इंजन के साथ में आ जाती है हमारी कुछ पाइप्स। ओ वाह, ये अच्छा, नहीं पूरी है, बड़ी नहीं दीदी क्या? चलो जो भी है, तो ये पाइप इसके साथ में आती है, इनको भी साथ में करते हैं। और कूलेंट भी साथ में आता है, क्या बात है। तो यार ये अच्छी बात है, इसके साथ में कूलेंट दिया है, ऑयल भी दिया। इसको साइड में करते हैं, रुक जाना। ये क्या है? हाँ, शायद। ओके, तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। आज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है हमारा। ये पहुंच चुका है हमारा विटोरा जी का कॉस्मोस 300 इंजन। इसके अंदर 153 ब्लेड का कॉस्मोस का ही इंजन, जो कि हेलिक्स बना के देती है, वो इंस्टॉल किया है पीछे मशीन के अंदर। और ड्यूअल स्पार्क है और ड्यूअल स्टार्ट है, यानी बैटरी से भी हो सकता है और फुल स्टार्टर भी इसका है, तो दोनों से स्टार्ट हो सकता है। इसके अंदर एक खास बात दी है, मतलब खास बात क्या यार, एक अच्छी बात दी है कि यहाँ पे जो रेडिएटर का आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, रेडिएटर का बॉक्स देख रहे हैं आप, तो ये बॉक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट दिया, तो आपको कूलेंट की पोजिशन पता चलती है कि कैसा है, और हीट भी पता चलती है, हीट ज़्यादा हुआ है तो। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ से इंजन, तो आज इसकी फर्स्ट फ्लाइंग होने जा रही है। और पहले सोलो जाएंगे, उसके बाद टैंडम फ्लाइंग करेंगे, तो आपको इसका रिव्यू शेयर करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं टेक ऑफ विटोरा जी के साथ में, पहली फ्लाइट होने जा रही है और साथ में जाएगा प्रितेश। ओवर चेक किया, ओवर चेक कर चुके, काफ़ी अच्छी पावर है और वाइब्रेशन काफ़ी कम है, तो चलिए शुरू करते हैं।
नहीं था। हाँ तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फ्लाइट। और सच में यार मतलब 303 जो है पोलिनी उसके कंपेयर में पावर है 250 से ज़्यादा है इसकी। 3 ब्लेड 150 लगाए थे तो ऑब्वियसली पावर ज़्यादा आनी थी। 36 सच में ज़रूर है लेकिन यार स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है। और टेंडम फ्लाइट 100 kg 110 kg आराम से लेके जा सकता है। अभी इसका वेट है 70 kg 68 kg। तो इसके साथ में तो यार पता भी नहीं चला, हमें पावर देनी नहीं पड़ी कब टेक ऑफ हो गया। तो ये थी हमारी विक्टोरिया जी के साथ में फ्लाइट। और अब नेक्स्ट फ्लाइट की वीडियो दिखाते हैं।